हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने किया है इस प्यारी सी बच्ची के ऊपर सॉफ्ट ग्लिटरी आई मेकअप। आप खुद ही देख सकते हैं इसका ये प्यारा सा लुक। स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज कर दिया है इसके पूरे फेस को, एंड देन मैं इसका स्टार्ट करूँगी आई मेकअप। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी आईज पर हल्का हल्का फाउंडेशन अप्लाई करूँगी ताकि कंप्लीट आई लुक आए बिल्कुल वैसा ही जैसे ही बड़े लोगों के फेस पर आता है। जी हाँ, देखिए मैंने अच्छे से फाउंडेशन अप्लाई कर दिया है। अब मैं लगा रही हूँ पिंक कलर का आई शेडो। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से आपको पूरे फेस पे सर्कुलर मोशन में, सॉरी फुल आईज के ऊपर सर्कुलर मोशन में आपको पिंक कलर का आई शेडो लगा लेना है। एंड देन फिर लेना है हल्का सा ब्राउन कलर का आई शेडो, क्योंकि ये हल्का सा ग्लिटरी लुक है तो इसको इन्हेंस करने के लिए ब्राउन कलर का आई शेडो आपके आईज के ऊपर देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अपर आई एरिया में मैंने ब्राउन कलर का आई शेडो लगा दिया है। देन अब मैं कंसीलर ले लिया है मैंने, एंड देन मैं अप्लाई करने जा रही हूँ ये कट क्रीज आईज। कट क्रीज क्रिएट कर रही हूँ मैं इसकी आई के ऊपर। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रिटी लुक आ रहा है। बहुत ही अच्छे से आपको कट क्रीज क्रिएट करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर इसमें गड़बड़ी हो जाती है तो पूरा का पूरा मेकअप बिगड़ जाता है। कट क्रीज आपको अच्छे से सीखना है कि कैसे क्रिएट किया जाता है। एंड देन क्योंकि ये पिंकिश सॉफ्ट स्मोकी आई एंड सॉफ्ट ग्लिटरी आई मेकअप है, बहुत ही हल्का हल्का मैं पिंक कलर का आई शेडो इसके आई के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। पीच कलर का आई शेडो मैंने अप्लाई कर दिया है कट क्रीज के ऊपर कि आई को इन्हेंस करने के लिए। एंड देन मैं अप्लाई करने जा रही हूँ इसकी आई के ऊपर प्यारा सा ग्लिटर, क्योंकि ग्लिटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह है बिल्कुल सिल्वर कलर का ग्लिटर, जो कि आपको इसके आई के साइड में लगाना है, फ्रंट एरिया में नहीं। जी हाँ, बिल्कुल मिड में, साइड में इसको अप्लाई करना है, तभी इसका क्लियर लुक आएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का स्मोकी आई एंड ग्लिटरी आई मेकअप है। अगर इसमें आप बिल्कुल सेंटर से अप्लाई करते हैं तो वो उतना अच्छा लुक नहीं देता है। ये थोड़ा सा वेस्टर्न मेकअप लुक दिया है मैंने। ज़्यादातर आपने देखा होगा वेस्टर्न मॉडल इस तरह का मेकअप करती हैं। ये बिल्कुल वेस्टर्न सॉफ्ट आई मेकअप है। इसमें बहुत ही हल्का सा ग्लिटर मैंने अप्लाई किया है, क्योंकि ये छोटी बच्ची है। ज़्यादा मैंने अप्लाई भी नहीं किया, क्योंकि आईज़ वगैरह में चला जाता तो प्रॉब्लम हो जाती। देख पा रहे होंगे काजल लगा दिया है मैंने, और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर, क्योंकि आईलाइनर के बिना तो इसका लुक कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। क्योंकि आई लैशेज अप्लाई नहीं कर सकती हूँ मैं इसके फेस के ऊपर, तो मुझे इसकी आई को कंप्लीट लुक देना है आईलाइनर से ही। एंड देन मैंने इस हाईलाइट कर दी है इसकी आईब्रोज़ को। आईब्रो को हाईलाइट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना आईब्रो के हाईलाइट किए हुए आई का लुक ही नहीं समझ में आता है। तो अच्छे से मैंने बिल्कुल नेचुरल शेड में इसकी आईब्रोज़ को हाईलाइट कर दिया है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है इसका ये मेकअप, आई मेकअप। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। 7 साल की बच्ची है ये, बहुत ही छोटी है अभी, बट क्योंकि मुझे कुछ अलग करना था तो मैंने सोचा इसके फेस पर मैं ये मेकअप ट्राई करती हूँ। आप खुद ही देख पा रहे होंगे आईब्रो को अच्छे से हाईलाइट कर लिया है मैंने, एंड जो भी फाइनल टच है वो मैं दे रही हूँ। ऑलमोस्ट ये लुक कंप्लीट हो चुका है। आईब्रो को मैंने फाउंडेशन लगा करके साइड एरिया से, एंड फुल फेस के ऊपर फाउंडेशन लगा करके मैंने फेस को क्लियर कर दिया है। बहुत ही हल्का सा फाउंडेशन लगाया है, एंड बहुत ही हल्का हल्का सा कंसीलर मैं इसकी अंडर आई एरिया में लगा रही हूँ, क्योंकि हल्का सा मेकअप वहाँ पर आ गया है। क्योंकि छोटी बच्ची है, आई से इसके टेयर्स भी आने लगे थे मेकअप करते टाइम पे, तो बहुत ही संभाल के करना पड़ा था मुझे इसका मेकअप। बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी वो, और काफ़ी ज़्यादा पेशेंटली इसने मेकअप कराया है। बड़े भी इतने पेशेंट से मेकअप नहीं कराते हैं जितना ज़्यादा पेशेंस इसने दिखाया है। काफ़ी ज़्यादा खुश थी ये मेकअप कराते हुए। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ इसके फेस के ऊपर ब्लश। आराम से आप देख सकते हैं
काफ़ी हल्के हल्के हाथों से मैंने ब्लश अप्लाई कर दिया है, क्योंकि बच्चों के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ ब्लश ही लगा सकते हैं, ज़्यादा कुछ तो अप्लाई नहीं कर सकते। एंड देन मैंने ले लिया है लिपस्टिक और लगा दिया इसके लिप्स के ऊपर। ये लाइट पर्पल कलर की लिपस्टिक है, क्योंकि आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इस लुक को इन्हेंस करने के लिए हल्की सी डार्क लिपस्टिक लगाना इम्पॉर्टेंट था। अब ऑलमोस्ट इसका लुक कंप्लीट हो चुका है, आप देख पा रहे हो आई मेकअप, लिप मेकअप एंड इसका ब्लश। बहुत ज़्यादा फेस से मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ आई मेकअप, ब्लश एंड लिपस्टिक ही लगाई है, और ये हो गया है कंप्लीट लुक। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी बेचारी मेकअप कराते कराते, और इसका लुक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप लोगों को भी मेरा ये मेकअप का स्टाइल और मेरा ये मेकअप वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप भी सीखना चाहते हैं ऐसी स्मॉल मेकअप टिप्स और करना चाहते हैं घर पे ऐसा ग्लैमरस मेकअप, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।